मिलती है। मेरा ये तीसरा इलेक्शन है, मैंने इससे पहले इतना जोश जज्बा नहीं देखा वो में जितना अभी जो जोश जज्बा है। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, इस तारा देखा शाम को पता। इंशाल्लाह आज का ये पावर शो इस बात की गमबाजी कर रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून न सिर्फ पीपी साथ में फतह से हमकनार हो चुकी है, बल्कि पूरे पंजाब की इन 20 नशिस्तों में से अक्सरीती नशिस्तें 16 या 17 नशिस्तें हम जीत कर इंशाल्लाह अपनी हुकूमत को मजबूत बनाएंगे। इंशाल्लाह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने ज़मीनी इलेक्शन से पहले पेट्रोल की कीमतों में कमी का ऐलान भी किया है, आया कि क्या ज़मीनी इलेक्शन के हवाले से थे या नहीं? मैंने जैसे पहले कहा कि ज़मीनी इलेक्शन उस कमी की राह में रुकावट है, चूँकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से पाबंदियाँ हैं। हमने बिजली की कीमत मुफ्त की, बिजली 100 यूनिट से कम गरीब लोगों के लिए, और उस पर पीटीआई अदालत में गई। तारीख में पहली मर्तबा गरीब के किसी जो गरीब को मिलना था एक सहूलत उसके खिलाफ अदालत में गई, और वो अदालत की वजह से वो स्टे हुआ 17 तारीख तक। तो ये पेट्रोल की कीमतों में न सिर्फ ये कमी बल्कि मजीद कमी भी होगी और कौम तक रिलीफ मुकर्रर किया। ये बताइए कि PP7 आया कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून निकाल लेगी, क्योंकि दूसरी साइड पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट शब्बीर साहब हैं। जी, दूसरी साइड पे उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट था, लेकिन राजा सगीर ने आज़ाद हैसियत से उस वक्त भी सीट निकाली थी। आज तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बच्चा बच्चा उनके साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह जलसा गया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, आ गया कि क्या PP7 में राय सगीर साहब सीट निकाल पाएंगे, क्योंकि दूसरी जानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाड़ी हैं कर्नल शब्बीर साहब। देखिए जी भाई मेरे, बात सीट निकालने की जो है वो अल्लाह ताला के फजल और करम से मेरे का कि क्या PP7 में राय सगीर साहब सीट निकाल पाएंगे, क्योंकि दूसरी जानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाड़ी हैं कर्नल शब्बीर साहब। देखिए जी भाई मेरे, बात सीट निकालने की जो है वो अल्लाह ताला के फजल और करम से मेरे कायद मियां नवाज शरीफ ने जिसको भी टिकट दिया है पंजाब पूरे में इंशाल्लाह फतह हमारी होगी। जहां तक रही बात PP7 की, इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से जितनी वोटें होंगी हमारे मध्य मुकाबल के उससे डबल हमारी लीड होगी। अच्छा ये बताइए कि क्योंकि मियां शहबाज शरीफ साहब ने इलेक्शन से पहले ज़मीनी इलेक्शन से पहले पेट्रोल की कीमतों में भी कमी किया है, क्या ये ज़मीनी इलेक्शन के हवाले से है या अगर कोई चीज़ महंगी हो जाए तो वो क्या होती है, ये एक सिस्टम है उसमें उन्होंने सस्ती की है, अच्छा काम किया है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, बल्कि अप्रिशिएट करना चाहिए उन्हें। मैं समझता हूँ कि आज इस जलसे में जितना लोगों ने शिरकत की है इंशाल्लाह ताला मुखालफीन की जमानतें जब्त होंगी। 14 तारीख के इलेक्शन में ना सिर्फ PP7 बल्कि पूरे पंजाब की 20 सीटों में महंगाई के हवाले से वादा किया था जो भी कमी आएगी आवाम को पास ऑन कर देंगे। ये ज़मीन का बात सस्ता किया जा रहा है फिर महंगाई में इजाफा हो जाएगा जी? ये क्या ज़मीन का बात ऐसे पेट्रोल और चीजें सस्ती की जा रही है? देना हर 15 दिन बाद होता है, ओकरा रिटर्न करती है, हम नोटिफाई करते हैं, इसमें कोई ज़मीन इंतखाब का ताल्लुक नहीं है। तो कैसा टर्न आउट देखेंगे? इलेक्शन होने जा रहे हैं PP7 में, भरपूर अच्छी इंशाल्लाह।